भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं सीएम शिवराज ने इंदौर में गरीबों के साथ नया साल मनाया। इंदौर दौरे पर सीएम ने पंचशील नगर बस्ती में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बस्ती के लोगों के साथ चाय भी पी। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि जो सबसे पीछे है उन्हें आगे लाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया साल लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लाए और जल्द ही कोरोना बीमारी भी समाप्त हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर बीमारी से ग्रसित 4 साल के आदित्य को इलाज के लिए आर्थिक मदद और अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराया जाएगा। कल्याणी दिवाली तलंग को आर्थिक सहायता और विधवा पेंशन सिलाई मशीन दी जाएगी। पूरे प्रदेशवासियों को, इंदौर वासियों को नए साल की शुभकामनाएं। ये नया साल प्रदेश और देश की जनता के जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए, कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो जाए, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है। आज पहले दिन इंदौर में हूँ और इंदौर में तय किया अपने उन भाई बहनों के बीच जाऊँगा जो गरीब भी और किसी न किसी कारण परेशान हैं। कोरोना काल में एक बहन कल्याणी हो गई, पति नहीं रहे, उस बहन से मिल के आया हूँ, उसकी आजीविका का प्रबंध किया है। एक बेटी दिव्यांग है, उससे मिल के आया हूँ, एक बेटा भी दिव्यांग है, उससे मिल के आया हूँ, उनके जीवन की गाड़ी ठीक चले इसका प्रबंध किया है। लेकिन ये संकल्प भी है कि जो सबसे पीछे, सबसे नीचे है, जो दुखी और गरीब है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सबसे पहले है, उनकी सेवा करके उनकी जिंदगी के कष्ट दूर करना हमारे जीवन का मिशन है। इस दौरान एक द्वारिका बाई भावुक हो गई मुख्यमंत्री से मिलकर और उनकी खुशी के आंसू बाहर निकल पड़े। दरअसल मुख्यमंत्री इससे पहले भी द्वारिका बाई से मुलाकात कर चुके हैं। द्वारिका बाई लखवे की बीमारी से पीड़ित है। मुख्यमंत्री ने द्वारिका बाई से मुलाकात कर उनके इलाज के लिए कलेक्टर मनीष सिंह को तत्काल निर्देश दिए। सर, थोड़ा उधर।